Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about ESAF, Small Finance Bank. So ESAF Small Finance Bank ka recently IPO aaya hai, and you would see like, I think the IPO was subscribed 77 times ke aaspaas hai. So it was a major success. और ऑफ कोर्स अभी अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस कोई भी कंपनी हो या माइक्रो फाइनेंस लिंक कुछ भी हो तो सारा मार्केट उसमें बहुत ही बुलिश है. इट्स बिकॉज स्पेस हैज कम अप रियली वेल आफ्टर कोविड. तो ये होगी पहली वाली पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये कि आप थोड़ा ईसैफ के बारे में जानते हैं. सो इट्स अ केरला बेस्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी. अब आप देखोगे ईसैफ का आई थिंक 1995 से चालू किया था एंड उनका प्रोमोटर आज भी उनके बिजनेस के साथ काम कर रहा है और उनके मैनेजमेंट का पार्ट है. तो अगर आप देखोगे ईसैफ का कुछ 73-75% ऑफ द टोटल बुक है माइक्रो फाइनेंस में. बाकी जो पार्ट ऑफ द बुक है वो है आपके रिटेल सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक में. जैसे आपका मैं आपको बता सकता हूँ होम लोन हो गई, लैप हो गया, देन पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, देन ऑफ कोर्स यू हैव द एसएमई एंड द एमएसएमई स्पेस एंड द एग्री स्पेस, आई मीन द एग्री लोन्स. वो होता है रिमेनिंग 25% ऑफ द बुक. तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा. ओ बाय द वे, तो इनका जो टोटल लोन बुक का ग्रोथ द टोटल लोन बुक दैट्स अराउंड 17,000 करोड़ के आसपास है. ठीक है, उसका जैसे मैंने बताया अराउंड 75% है आपका जस्ट माइक्रो फाइनेंस लोन्स. अब माइक्रो फाइनेंस आपको पता है ये अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड, मतलब लोगों को ये लेंडिंग करते हैं. और इस आपका मेंटालिटी वही है कि लाइक वी आर अ कम्युनिटी बैंक. ठीक है, वी आर अ कम्युनिटी बैंक, दे टॉक अबाउट सोशलिज्म, दे टॉक अबाउट यू नो इनकम फॉर एवरीबॉडी एंड ऑल दैट. इस माइंडसेट से ईसैफ चालू हुआ था इन 1995. नाउ अब दूसरे एंगल पे आते हैं. तो ईसैफ का अगर मैं थोड़ा बहुत बात करूं, थोड़ा कुछ नंबर्स के बारे में बात करूं इन टर्म्स ऑफ से एसेट क्वालिटी, उनका अभी का एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा दिख रहा है. आई मीन द ग्रॉस एनपीए नंबर इज 2.2-2.4% के आसपास, जबकि लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर द ग्रॉस एनपीए वॉज अराउंड 8%. तो मतलब क्या, ईसैफ ने कोविड में बहुत धक्का खाया था. ठीक है, इसीलिए तो ग्रॉस एनपीए का नंबर इतना बढ़ गया. बट वॉट दे डिड वॉज के लिए वो अपने बुक को पूरा क्लीन कर दिया और एंड दे प्रोवाइडेड फॉर ऑल द बैड लोन्स. और फिर उससे क्या हुआ, उसका ग्रॉस एनपीए का नंबर घट गया. एंड इसके साथ साथ क्या हुआ, दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग द लोन बुक. तो अगर मैं आपको बोलूं उनका जो अभी का जो सीन है वो सब कुछ सही चल रहा है. कैसे, बिकॉज एक तो उनका एसेट क्वालिटी बेटर हो गया एंड दूसरे साइड में उनका जो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ के अभी 37% हो गया. मतलब देयर एडवांसेस और द लोन बुक ग्रू 37% ऑन अ YOY बेसिस. सो इसका मतलब है कि लाइक व्हेन यू आर ग्रोइंग योर लोन बुक एट अ फास्ट पेस एंड योर एसेट क्वालिटी अच्छा होते जा रहे, मतलब इसका मतलब है कि लाइक कंपनी में सब कुछ सही है. दूसरी चीज अगर मैं बोलूं कि ईसैफ स्टार्टेड इन केरला एंड फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स वो लोग सिर्फ केरला में ही था. तो आज भी अगर आप देखोगे आउट ऑफ 700 ब्रांचेस उसका नॉर्थ ऑफ आई थिंक 50% ब्रांचेस अभी भी वो उनका आई गेस केरला में है. सो केरला, लेकिन क्या है ना, धीरे धीरे करके ईसैफ ने क्या किया, अपने इन द लास्ट डेकेड का बात कर रहा हूँ, ईसैफ ने क्या किया, डाइवर्सिफाई कर दिया. सो अगर आप देखोगे दे आर इन 20-21 स्टेट्स के आसपास आज, ठीक है, इंडिया में. लेकिन और उनका जो रिलायंस है ऑन वन स्टेट केरला, वो तो रिस्क है ना, राइट? क्योंकि सोचिए केरला का स्टेट में कल कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपका बिजनेस ही पूरा चौपट हो सकता है. दैट्स व्हाई लाइक एवरी माइक्रो फाइनेंस और एवरी बैंक आई वांट देम टू बी अ पैन इंडिया बेस और एटलीस्ट स्केल अप तो कर रहे हैं. बिकॉज एक ज्योग्राफी में अगर आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो वहां पर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो देन यू नो यू कैन लूज ऑल योर प्रॉफिट्स दैट यू मेड इन द लास्ट 4-5 इयर्स एक झटके में. सो अगर आप देखोगे आज भी केरला 44% ऑफ द बिजनेस देता है उनको. बट 3 इयर्स बैक अगर आप 2020-2021 में आसपास जाके देखोगे तो केरला वॉज 56-58% ऑफ द बिजनेस. सो नाउ यू सी दैट द रिलायंस ऑन केरला इज डिक्रीजिंग एंड गोइंग फॉरवर्ड केरला और भी घटता जाएगा. ऑल्दो हैविंग सेड दैट इट डजंट मीन केरला में ये लोग बिजनेस नहीं कर रहे, बट इट ऑल्सो शोज दैट दे आर डूइंग बिजनेस एंड ग्रोइंग द बिजनेसेस इन माइक्रो फाइनेंस एंड ऑल्सो इन द सिक्योर्ड रिटेल पार्ट लाइक होम लोन्स एंड लैप एंड यू नो एमएसएमई एंड गोल्ड लोन इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. एंड ये लोग अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कैसे जाते हैं, ये केरला में पहले चालू हुआ, फिर ये लोग तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ज्यादा बुलिश है. एंड धीरे धीरे करके ये लोग सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया में भी ये लोग वेंचर कर चुके हैं. सो बेसिकली ईसैफ का कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच. अगर मैं बोलूँ थोड़ा बहुत आपको इनका अगर गाइडेंस का बात करूं तो मैनेजमेंट ने बोला गोइंग फॉरवर्ड इनका आरओए का नंबर इज नॉर्थ ऑफ 2% एंड द मैनेजमेंट सेज गोइंग फॉरवर्ड द आरओए नंबर विल बी अराउंड 2-2.5% के बीच में वो रहेगा. द आरओए नंबर इज वेरी इंप्रेसिव फॉर द फाइनेंशियल. आई थिंक द नंबर इज अराउंड 28-30% के आसपास. तो इफ योर आरओए नंबर इज 29% दैट मींस यू आर डूइंग वेल फॉर योर शेयर होल्डर्स. ये बन जाती है दूसरी वाली पॉइंट. अच्छा, अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ
कि अगर आप देखोगे कि थोड़ा बहुत फ्रॉम क्वार्टर वन से क्वार्टर टू, अब थोड़ा सा एक नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव नहीं है एक्चुअली, ये बेसिकली आपको समझाना है कि एक सीजनैलिटी क्या होती है, ठीक है। तो आप सोचिए क्वार्टर वन से क्वार्टर टू में आप देखोगे एसेट क्वालिटी थोड़ा सा बिगड़ा है, मतलब फ्रॉम जीएनपीए इन क्यू वन से जीएनपीए क्यू टू में थोड़ा सा बड़ा है या उस लेवल पे है या समथिंग लाइक दैट। ये क्यों होता है समझिए, आज भी जैसे मैंने बोला कि 44-45% ऑफ द बिजनेस आती है कहां से, विच स्टेट से, केरला से आती है, करेक्ट। सो केरला में आज ये लोग माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग किन को करते हैं, बहुत ऐसे फिशरमैन को करते हैं जो बाहर जाके वो मछली पकड़ के लाते हैं, राइट। तो बेसिकली सोचो अगर एक फिशरमैन को एक एक बोट चाहिए होता है, ओर चाहिए होता है, राइट, फिर उसको वो जाल वगैरह खरीदना है, तो यहाँ पे ईसा उनको लोन देते, करेक्ट। अब सोचिए लॉजिकली ये फिशरमैन कब ये मतलब किस तक, मतलब किस्तों में चुका पाएगा, इंटरेस्ट दे के अपना प्रिंसिपल कब चुका पाएगा, जब ये फिश जाके लाएंगे और बाजार में बिकेगा तब ना। लेकिन सोचिए Q2 में क्या होता है, Q2 में मॉनसून सीजन होता है, राइट। और मॉनसून सीजन में केरला गवर्नमेंट आके इस बार ने बता दिया फिशरमैन को कि आप उतना समुद्र के अंदर मत जाना क्योंकि आपको आपका जिंदगी का खतरा हो सकता है। अब सोचिए अगर फिशरमैन ने लेट्स से फिश कलेक्ट नहीं किया तो फिर वो अपना 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 किस्ता कैसे चुकाएगा, अपना इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा, गॉट इट। तो यही बनता है बात। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फिश द ग्रॉस एनपीए नंबर Q1 से Q2 थोड़ा सा बिगड़ा या समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगॉट दैट एग्जैक्ट नंबर, बट आप एक बार जाके पीपीटी खोल के देख सकते हो। बट गोइंग फॉरवर्ड दिस ट्रेंड विल रिवर्स ना, फिर से अच्छा हो जाएगा बिकॉज Q3 एंड Q4 में बारिश नहीं है, फेस्टिव पीरियड है और उस टाइम पे फिशरमैन एकदम जम के एकदम मछली उठाएगा। और आपको तो पता ही है केरला वेरला में क्रिसमस के टाइम सीजन होता है, पूरा दुनिया का लोग वहां घूमने आते हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स तो ये फिशरमैन बहुत पैसे बनाएंगे और वो पैसे को लेके वो फिर से अपना अपना कलेक्शंस नॉर्मल कर देंगे, तो ईसीएफ वगैरह को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको ये जो फिशरमैन वाला स्टोरी है ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज क्या होता है ना, एक तो है कि देखिए अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड बुक हो कोई पर्टिकुलर 1-2-3 स्टेट्स में अगर हो तो यहाँ पे सीजनैलिटी में आप बड़े बड़ा धक्का खाता रहोगे, गॉट इट। तो ये एक रीजन होता है कि आप जाओगे पैन इंडिया, बिकॉज अगर आप सोचो अगर आप राजस्थान में जा रहे हो वहां पे कौन सा फिशरमैन, वहां राजस्थान में तो एक तालाब भी नहीं है, तो वहां पे जाके आप लेट से टूर ऑपरेटर को एक लोन दे सकते हो, राइट, एक माइक्रो फाइनेंस लोन दे सकते हो या कोई कैटल ट्रेडर को दे सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट डाइवर्सिफाइंग द बुक, हर जगह से आप अटैक करो, लैंड करो, ताकि एक फिशरमैन का एक प्रॉब्लम या एक कोई बारिश के वजह से कोई, क्योंकि इंडिया में अनइवन मॉनसून होता रहता है इधर उधर, कभी नॉर्थ में फ्लड कभी वेस्ट में फ्लड। लेकिन सोचो आप जिस स्टेट में मेजोरिटी हो, जो बंधन बैंक का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उनका अगर आप देखोगे आसाम का जो बड़ा फ्लड हो गया, बंधन बैंक का पूरा मतलब हालत ही खराब हो गया बैक इन 2022। क्यों? बिकॉज बंधन बैंक का सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द बुक इज इन आसाम। सो यही वाला पॉइंट है, और तो कुछ है नहीं। आई गेस आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। एज आई सेड के लिए गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट का गाइडेंस यही है कि पेस ऑफ ग्रोथ इन लोन बुक चलता रहेगा, एसेट क्वालिटी कंट्रोल रहेगी एंड H2 विल बी बेटर देन H1, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स H2 में एज आई सेड कि कोई मॉनसून वगैरह है नहीं, तो ये फिशरमैन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑन दैट नोट कोई सवाल हुआ आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।